हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस निर्धारित सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और आप लोग स्कोर करके अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है, यह कौन सा कारण होता है? लैक्टिक एसिड, एड्रेनलिन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर सभी हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन रिलेट किया गया थकान से रिलेट, जहां भी मिल जाए आपको लैक्टिक एसिड के साथ रिलेट कर जाना है, ए ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अवस्थानांतर अवधि पर लक्षित है, क्या लक्षित है? प्रदर्शन का स्थिरीकरण, अति क्षतिपूर्ति, मनोरंजन, या फिर वसूली? किस ऑप्शन को क्लिक करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से टफ क्वेश्चन से यहां पे इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे उत्तर रिलेट करेगा डी ऑप्शन के साथ में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दबाजी में क्वेश्चन ना करिएगा वरना आपका गलत हो सकता है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर फास्ट वीडियो लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर रिलेट करिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है, जो सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है वो कैसा होता है? कौशल में महारत पाने के बाद, कौशल में महारत पाने से पहले, सुनियोजित प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण दोनों एक मिनट साथ साथ किए जाते हैं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत जबरदस्त है, यहां पे आप लोग मैक्सिमम लोगों ने डी ऑप्शन क्लिक किया होगा। राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, कौशल में महारत पाने के बाद में हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एक बात यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो लोग भी अभी तक स्टार्टिंग नहीं किए हैं, वो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, वो लोग जिस चैप्टर से जहां से आप पढ़ना चाहते हैं वहां से स्टार्ट कर दीजिएगा, पूरी बुक के चक्कर में ना पढ़िएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जो टाइम आपको देना चाहिए थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके आप पढ़िएगा, आप अभी भी हर चीज को गेन कर सकते हैं, बस एक नए तरीके से और थोड़ा कंसंट्रेट होकर सिलेबस के अकॉर्डिंग बस पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी अभी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई देर नहीं हुई है, बस देर तब हो जाती है जब आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या नहीं पढ़ना, एग्जाम सर पे है, लेकिन अभी समय है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप उत्तराखंड से रिलेट करते हो, आपका एग्जाम अप्रैल में होना है, प्रस्तावित एग्जाम है, चाहे तो आप उत्तर प्रदेश से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, या फिर अन्य स्टेट से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं वहां पर, अगर वैकेंसीज आई हुई हैं या नहीं भी आई हुई हैं तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टार्टिंग तो करिए, शुरुआत तो करिए कहीं से भी, क्योंकि आपने एक फिजिकल एजुकेशन की डिग्री प्राप्त की है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चा किया, 2 लाख रुपए खर्चा किया है, तो उसकी कुछ वैल्यू है, पैसे की वैल्यू होती है, उस वैल्यू को आप यहां पर ला सकते हैं, थोड़ी सी अगर पढ़ाई कर लेंगे तो आप ये जो सैलरी होती है इस सैलरी के पास पहुंच जाएगा, 2 महीने की सैलरी आपकी डिग्री की अदा हो जाएगी, और उसके बाद आपका पूरा जीवन जो होगा, ये 60,000 तो आपकी स्टार्टिंग होती है 60,000 के आसपास, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी और आपका जीवन खुशहालियों से भर जाएगा। इसलिए जो भी अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं प्लीज आप लोग स्टार्टिंग कर दीजिए, कंफ्यूज ना होइए, जो वीडियो आपको पहला मिल जाता है वहां से आप शुरुआत कर दीजिए। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं बुक से पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आपको पहला शुरुआत से मिल जाता है वहां से आप शुरू कर दीजिए पढ़ना, बस कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, किसी दूसरे से कंपैरिजन करके कभी ना पढ़िएगा। जो लोग कंपैरिजन करके पढ़ाई करते हैं वो अपने आप को पीछे लेके जाते हैं, दूसरे से तुलना तभी करिएगा जब आप वहां तक पहुंच सकते हैं और आप उसको बीट कर सकते हैं, वरना आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, और आई एम द बेस्ट का मतलब होता है आपको मेहनत करनी है अच्छे से, तब आप उसको क्रैक कर सकते हैं, जो आपसे आगे उसको पीछे कर सकते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है और सही तरीके से पढ़ाई करनी। अगर स्टार्टिंग आप करना चाहते हैं, जो भी कंफ्यूज हैं प्लीज आप लोग अपनी स्टार्टिंग कर दीजिए, कंफ्यूज ना होइए, ना ही टेंशन माइंड में रखिए, ये मान के ना चलिए कि हमको 60,000 तुरंत मिलना,
बस ये माइंड में रखे, एक जॉब प्राप्त करनी है। जैसे ही आप कहीं अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसी तरीके से सोच के चलिए कि एक जॉब हमको इस बार कंफर्म कर देनी है। बस जैसे ही वो जॉब कंफर्म होगी, ये सैलरी आपके हाथ में होगी। अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जिसको भी ये समझ में ना आया हो, स्किप कर दीजिएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया, चार नंबर का। गत खेल को डैश भी कहते हैं, भार प्रशिक्षण बोलते हैं, दाब प्रशिक्षण बोलते हैं, फाइटलेक प्रशिक्षण बोलते हैं, या फिर अंतराल प्रशिक्षण बोलते हैं। गति खेल को क्या बोलते हैं, यहां पे क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फोर, फाइटलेक प्रशिक्षण हो जाएगा क्या राइट आंसर? यहां पे चला जाएगा सी ऑप्शन के साथ में, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पांच नंबर का। अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? फेफड़ों का परिश्रम, मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम, या फिर उपरोक्त सभी पांच नंबर में क्या शामिल होना चाहिए? डी ऑप्शन होगा क्या? जी हां, फेफड़ों का परिश्रम, मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर आ गया है छह नंबर का, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, कौन सा उद्देश्य नहीं पूछा गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आंसर क्लिक करिएगा, किस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? पांच सेकंड का आपको टाइम देते हैं, पांच सेकंड के अंदर आप लोग आंसर क्लिक कर दीजिएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, एथलीट के सपने केवल जीतने के संदर्भ में बनाना, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात नंबर का। जब प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य में से बहुत कम या अधिक नहीं होता है, उसे कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सामान्य भार बोलते हैं, शीर्ष भार बोलते हैं, अनुकूल भार बोलते हैं, या फिर अधिकतम भार बोलते हैं? कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे सात नंबर में आप बताइए? अनुकूल भार होगा क्या? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तुरंत कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, या फिर आप अकाउंट पे भी कर सकते हैं, या किसी दूसरे के द्वारा भी सेंड कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे और साथ में हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। और जिसके भी माइंड में रहता है कि सर तो यहाँ पे पेड ग्रुप के लिए कहते रहते हैं, जिसको भी जुड़ना है सिर्फ वही जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना आराम से आप पढ़ाई करिए, कोई टेंशन नहीं है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आठ नंबर का। निम्न में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है? आठ नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? शारीरिक प्रशिक्षण हो जाएगा, गति का विज्ञापन होगा, गति शिक्षा होगी, एथलीट वाद होगा। किस क्वेश्चन, इस ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? ए होगा ऑप्शन, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? कौन सा ऑप्शन क्लिक कर देंगे? शारीरिक प्रशिक्षण हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नौ नंबर का। प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन अध्यापन परिघटना है और एथलीट के लिए उसके लक्ष्य हैं। शारीरिक अनुकूलन, स्वास्थ्य और सेहत, मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करना, और डी ऑप्शन भी है प्रदर्शन समृद्ध। किस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे? कौन सा ऑप्शन आखिरकार राइट होगा? नौ नंबर देख लीजिएगा तुरंत, आप किस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे? तो राइट आंसर आपने क्लिक किया होगा प्रदर्शन समृद्ध के साथ में, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जिन लोगों को बहुत अच्छे से जिसकी तैयारी है, वो लोग अपना कंसंट्रेशन अवश्य एग्जाम तक बनाए रखेंगे, क्योंकि आप लोग अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं तो एग्जाम में क्रैक करने में अगर एक भी नंबर रह जाता है तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे चले जाते हैं। इसलिए आप उस चीज को ध्यान रखिएगा, जिसको भी अच्छे से तैयारी है वो लोग रिवीजन करते रहें, बार बार चीजों को पढ़ते रहें, और ओवर कॉन्फिडेंस इस तरीके से आ जाता है जब 10 दोस्तों के बीच में आप बैठते हैं, वहां पे अपनी चीजों को ओपन करने लगते हैं। आप ओपन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में करिए, और अपना जो रफ कॉपी एक बनाए वहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर अपना माइंड ओपन करिएगा, क्योंकि किसी दूसरे दोस्त के सामने आप अपने को उच्च साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई बहुत ही टैलेंटेड होता है, उसके टैलेंट को आप आंक नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई को
अच्छे से सीमित रखिएगा, सीमित रखने के बाद असीमित कर दीजिएगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में असीमित कर देंगे तब आपको एक गवर्नमेंट जॉब जाके मिलेगी, एक सीट आप अपनी कंफर्म कर पाएंगे। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरीके से आप लोग दोस्तों के बीच में तो बहुत अपने आप को रेपुटेटेड और पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके दूसरा दोस्त आपका क्वालिफाई हो जाता है, आप वहां पर रह जाते हैं, तब आपको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से आप भी पॉजिटिव रहिए, दोस्तों के साथ मिलिए, सब कुछ अच्छे से, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे आप अपने को रफ कॉपी जो आपने जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे अपना माइंड ओपन करिए और पूरा माइंड आप अपना एग्जाम में ओपन कर दीजिएगा जहां से आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी बी पॉजिटिव, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिए क्योंकि एक सीट आपको इस बार मिल जानी है। जो लोग भी बहुत दिनों से मेहनत करते हैं उनकी भी एक सीट इस बार कंफर्म हो जाएगी, बस मेहनत आपको करनी है। यहां से वीडियोस देना हमारा काम है, यहां से हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही, बस आप अच्छे से पढ़ते जाइए। सामान्यता महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, खेल निष्पादन डैश का उप उत्पाद है, कौशल है, स्वाभाविक क्षमता है, संपूर्ण व्यक्तित्व है या फिर नीतिगत योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 11 को किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेंगे, खेल निष्पादन का उप उत्पाद क्या होगा? यहां पे तीन ही ऑप्शन से क्लिक कर दीजिएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, 12 नंबर का खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रो साइकिल की अवधि है, जो खेल प्रशिक्षण होता है इसके एक माइक्रो साइकिल की अवधि क्या होगी, 12 मंथ हो जाएगी, 10 मंथ हो जाएगी, 8 मंथ हो जाएगी या फिर 6 मंथ हो जाएगी? 12 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, राइट आंसर आप तुरंत क्लिक करिएगा, यहां पे आंसर रिलेट कर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में, 12 मंथ हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है, कौन सा होगा जिसमें कम प्रभावी होगा, साइकिलिंग हो जाएगा, तैराकी हो जाएगा, जिम्नास्टिक हो जाएगा या फिर ट्रैक प्रतियोगिता हो जाएगा? किस ऑप्शन को क्लिक कर दें तो राइट आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा, किस ऑप्शन में आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन जिम्नास्टिक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट प्राप्त करने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करके स्क्रीन शॉट सेंड करिएगा, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी एड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 14 नंबर का, निम्न में से कौन सी तकनीक कार्य और प्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है, अंतराल प्रशिक्षण होता है क्या, निरंतर विधि होती है या फिर फार्ट लैग प्रशिक्षण, और डी ऑप्शन भी शायद आपको दिया हुआ, गतिवर्धन दौड़ क्या राइट आंसर होगा? तीन ऑप्शन से क्लिक कर दीजिएगा, यहां पे एबीसी में से किस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बहुत जबरदस्त अंतराल प्रशिक्षण, जिसने भी क्लिक कर दिया 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं, एग्जाम में 125 क्वेश्चन आएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल पूर्णांक आपका 500 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए, पसंद, कौशल, अभिरुचि, सामर्थ्य, 15 नंबर बताइए। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, इसी तरीके से आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना, डी ऑप्शन होगा, सामर्थ्य के साथ रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, 16 नंबर का, एथलेटिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग अप्रयोग का जैविक तत्व तो सामान्य रूप से यह अंतर निहित करता है कि आप इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें, इसे बनाएं या अलग करें, इसे पास रखें या छोड़ दें, इसे करें या भूल जाएं, बताइए 16 नंबर क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही अच्छे आते हैं और आप लोग को लगता है बहुत आसान होंगे, बहुत जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हैं, क्योंकि आते हुए क्वेश्चंस भी हमने देखा है, कोई टेस्ट में कराते हैं तो जल्दबाजी में कुछ लोग गलत कर देते हैं, तो आप लोग उसको जल्दबाजी को थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्जाम में आपके गलत नहीं होने चाहिए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्न में से कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है, कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है, खींचना, कैलिस्थेनिक्स, औपचारिक गतिविधि या फिर प्लायोमेट्रिक्स, 17, what is the right answer? 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा क्या, औपचारिक गतिविधि के साथ रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया 18 नंबर का, भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि किससे रिलेट कर जाएगा, मांसपेशी अल्पपुष्टि, मांसपेशी अतिपुष्टि, मांसपेशी अपुष्टि या फिर हीमेटोमा, सी और डी ऑप्शन भी है, मांसपेशी अपुष्टि और हीमोटोमा राइट आंसर क्या होगा इसका सही उत्तर,
मांसपेशी अतिपुष्टि के साथ रिलेट करेगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी, इसी तरीके से तैयारी करते रहते, कि इस बार आपको एग्जाम में एक सीट कंफर्म कर देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का है, एरोबिक व्यायाम आपके डैश को मजबूत बनाता है, किसको मजबूत बनाता है, हृदय को, मस्तिष्क को, आत्मा को या फिर शरीर को, किसको मजबूत बनाएगा ये एरोबिक व्यायाम जो होता है, ये हृदय को मजबूत बनाता है क्या? जी हां, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है, जो प्रशिक्षण होता है उसमें स्थानांतरण क्या होता है, वातावरण में सीखना होता है, विभिन्न अवस्थाओं में मौखिक सीखना होता है, उद्योग में नवीन अवस्थाएं सीखना होता है, या फिर पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखने का प्रयोग, सीखों का प्रयोग करना होता है। उत्तर तुरंत आना चाहिए आपको, 20 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए ये भी आपको बताना है, क्योंकि आपकी तैयारी आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता कि आपने कितनी पढ़ाई की और कितने अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप ईमानदारी के साथ में अपनी स्कोरिंग करिएगा, अगर किसी के 20 आते हैं तो 20 बताइए, किसी के 15 आते हैं 15 बताइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अपना सिलेक्शन देखना, किसी दूसरे का सिलेक्शन नहीं देखना, आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है। कोई 20 में 20 लेके आ रहा है उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी 20 में 20 ला सकते, ये आपकी सोच होनी चाहिए। और आप अगर 12 नंबर पाते हैं तो 12 आप बताइएगा, अगर 18 पाते हैं तो 18 बताइएगा, आप अपना सिलेक्शन देख के चलिएगा, किसी दूसरे का सिलेक्शन आपको नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर आपने क्लिक किया होगा, डी ऑप्शन के साथ हो जाएगा, पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे एक बार यूट्यूब पे जाकर फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर सर्च करिएगा, इसके पहले के सारे वीडियो आपको एक साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे। 14,000 प्लस क्वेश्चंस वहां पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप एक बार सभी वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प अवश्य करेंगे। तो ये थे आज के कुछ टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस, जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है कॉन्टेक्ट करके 9621819209 पर प्राप्त कर सकता है। पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा नोट्स मिल जाएंगे, साथ में हमारे पेड ग्रुप से भी आप जुड़ जाएंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको अपनी एक सीट कंफर्म करनी है, और इस बार आपकी एक सीट कंफर्म भी होगी, बस आप सही दिशा में सही तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।